रितेश पांडे का गाना हेलो कौन इतना फेमस हो गया है कि अब इसे बॉलीवुड के स्टार भी अपने टिकटॉक पर गाने लगे हैं। जी हाँ, इस गाने पे परफॉर्म करने लगे हैं। अभी हाल ही में टिकटॉक पर नई नई एंट्री मारी है शिल्पा शेट्टी ने और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने, और इस पर पहला जो भोजपुरी गाना परफॉर्म किया है वो गाना है हेलो कौन। जी हाँ, हेलो कौन रितेश पांडे का ये गाना है जो रातों रात वायरल हो गया है और भाई अभी तक भोजपुरी में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा गाना सुना जाने वाला ये गाना बन चुका है। आपको बता दें कि कई लोग इस गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी को ये गाना इतना रास आ रहा है कि टिकटॉक पर हर कोई इस गाने पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो भाई हमारे बॉलीवुड स्टार कैसे पीछे रहते। तो शिल्पा शेट्टी ने इस गाने पे परफॉर्म किया और अपनी एक बेजोड़ और धासु परफॉर्मेंस दे डाली जो कि सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि सब ने इस गाने की तारीफ की और ये परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गई है। अब भाई जब शिल्पा शेट्टी ने परफॉर्म की है तो उनके जो फॉलोवर हैं वो भी इस पे परफॉर्म करेंगे, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि रितेश पांडे के लिए ये साल कितना चमकदार होगा। भाई अच्छी बात है, भले फिल्मों के मामले में रितेश पांडे का पिछला साल कुछ खास नहीं रहा, लेकिन गाने के मामले में तो भाई उन्होंने सबके मुंह पर ताला लगा दिया है। और अब जो विवाद हुआ था उस पर भी ये सामने आ गया है कि खेसारी ने किसी और का नहीं रितेश पांडे का ही पहले गाना गाया था और अब ये विवाद भी क्लियर हो चुका है। तो भाई अब आप ये समझ चुके हैं कि रितेश पांडे पवन सिंह के बाद सबसे ज़्यादा भोजपुरी में सुने जाने वाले सिंगर बन चुके हैं। भाई आवाज़ के मामले में तो पवन सिंह के बाद रितेश पांडे को ही भोजपुरी इंडस्ट्री का बेस्ट सिंगर माना जाता है और वैसे होना भी चाहिए क्योंकि रितेश की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।